हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया रश्मि की। अभी हम लोग इतने गर्मी में तैयार हुए हैं दोस्तों, हम लोगों को जाना है शॉपिंग। मेरे भाई के एक फ्रेंड है, उसकी आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। एक दो दिन के बाद में फिर भैया की बेटी के अभी बर्थडे है, तो उसके लिए भी गिफ्ट लेना है। तो सोच रही हूँ कि आज ही एक साथ में ही ले लूँ, तो वही चलते हैं आज कुछ ख़रीदारी करने के लिए। पर इतनी धूप है ना, मैं दिखलाती हूँ, देखिए कितनी कड़ी धूप है। अभी बज रहे हैं 3, अभी इतनी कड़ी धूप है, इतनी धूप में हमें जाना पड़ेगा। ये पता नहीं कैमरे में आपको पता चल रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ही कड़ी धूप है। देखो, मेरा फेवरेट गाना बज रहा था इसलिए मैं रिकॉर्ड कर ली थी। अब फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाम लग गई है, बहुत ज़्यादा ही जाम लग गई थी। हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे, फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ। और ये देखिए ड्राइंग कितना अच्छा लग रहा है दीवार पे बना हुआ। शॉपिंग हो गई दोस्तों, शॉपिंग के बाद हम लोग जस्ट वहाँ से निकले, वहाँ में हम लोगों ने कुछ भी सूट नहीं किया। और ये देखिए दोस्तों, रास्ते में जाम लग गए, इतने ज़्यादा जाम थी, हर तरफ से गाड़ी आ गई थी। देखिए इन भाई साहब को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, कौन सी पहनूँ। ये भी अच्छा लग रहा है, कौन सी पहनूँ। ये पहन लूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने पायल पहना था, मुझे पायल पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज पायल ट्राई किया जाए, सालों से नहीं पहने थे, मतलब एक हम आगे बैठे। माला बनू लाए गर्म का होना चाहिए ना। चलो हैप्पी एनिवर्सरी दादी। चलो लाओ लीजिए ना। आप जाओ, चलिए बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। एक बार इसी को ले लेते हैं, हम लोग के थाम लो। चलो हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई। गिफ्ट मिल गया हमको, बहुत बहुत वही तो गिफ्ट मिल गया। अब इसके हाथ में भी ले आना। यहाँ पे फ्रेंड्स, इन्होंने ऐसा डेकोरेट किया हुआ था बलून से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे भी मुझे बलून्स के डेकोरेशन बहुत पसंद है। और वो पर्पल कलर का बलून, ये तो पिंक है, पर्पल कलर के बलून वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। Yeah.
यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो केक रखे हुए थे कटिंग के लिए। एक में इन्होंने पूरा कैंडल लगाया था राउंड राउंड, और एक में वन लिखा हुआ था। और बच्चे ने देखिए ऐसा स्प्रे किया कि पूरा केक पे ही स्प्रे हो गया और लड़के पे हो गया, सारा बर्बाद। और ये देखिए केक कटिंग के बाद दोनों फोटोशूट कराते हुए, फिर ये उसका फ्रेंड बेटू को गोदी करने का, उसको बहुत मन कर रहा था तो वो लेता है गोदी करने के लिए। उसको आता था गोदी करने के लिए, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। उसके घर पे भी बच्चे हैं। बच गई है दोस्तों एक। हम लोग बहुत लेट से घर पहुंचे हैं पार्टी से। वहाँ लाइट नहीं थी, आपने देखा ही होगा लाइट नहीं थी, इसलिए काफ़ी लेट हो गया कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। मेरे हाथ में ही पार्ली जी जी मैंने जी ने यस। तो अभी ये ब्लॉग में यहीं पे अंत करती हूँ। बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।